गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको स्वर अभ्यास में पेज नंबर 47 समझाऊंगी, जिसमें 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं। आपको दोनों एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझना है। ओके, तो आप पेज नंबर 47 निकालिए। ये है आपका पेज नंबर 47। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है ना, आपको इन सेंटेंस को रीड करके फिर उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों सेंटेंस को रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो ये क्या है, ब, और बाकी ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है बताइए मुझे, अं, तो क्या बना, बंदर, बंदर, लपक, लपक, कर, कर, बंदर, लपक, कर, अंगूर, अंगूर, खा, ग, या, बंदर, लपक, कर, अंगूर, खा, गया। अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, तो इसी तरह से अब आपको ये सेंटेंस रीड करके यहाँ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके, तो आप सबसे पहले अपर लाइन करेंगे, अपर लाइन करने के बाद सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, आ, और ये क्या है, चंद्र बिंदु, तो क्या बना, आ चल, आचल, तांगे, तांगे, मैं गांव, गांव, जा रही थी, आंचल, तांगे, मैं गांव जा रही थी। ओके, तो अब आपने इस सेंटेंस को भी रीड कर लिया। अब इसी तरह से अब आपको इसको भी यहाँ से, ओके, यहाँ से आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपर लाइन करेंगे, अपर लाइन करने के बाद इसको, इस सेंटेंस को लिखेंगे। तो चलिए अब हम सेकेंड एक्सरसाइज को समझ लेते हैं कि आपको उसमें करना क्या है। ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, अंग अथवा आ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए, मतलब जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं और इनके नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं ये इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं, मतलब ये कम्प्लीट नहीं है, आपको इन पर अंक की मात्रा या फिर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। अब आपको ये देखना है किसके ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रीड करना होगा, मतलब पहले आप पिक्चर देखेंगे, पिक्चर के बाद उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि उस पर कौन सी मात्रा आ रही है। ओके, फिर उसको लगाएंगे। तो देखिए ये क्या है, आँख, क्या है ये, आँख, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, आँख, तो देखते हैं, आँख, तो चंद्र मात्रा कौन सी आ रही है, आँख, चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देंगे, आप, तो क्या बन गया, आँख, आँख। अभी क्या है, पतंग, है ना, तो ये क्या है, प तंग, तो इसका मतलब मात्रा किसके ऊपर आ रही है, टापर, तो किस पर लगाएंगे हम, टापर लगाएंगे, प तंग, पतंग। ओके, अब इसके देखो ये क्या है, परियां, है ना, परियां उड़ रही हैं, कहाँ उड़ती हैं, आसमान में, तो देखो प रि या, तो क्या आ रही है, कौन सी मात्रा आ रही है, बोलो, चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है।
तो यहाँ पर हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे। अब क्यों आ रही है बोलो? क्योंकि चंद्रबिंदु की मात्रा का साउंड कैसे होता है? आ करके होता है, और अंक की मात्रा का साउंड कैसे होता है? अंग करके होता है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट करो, क्या है ये क्या लिखा हुआ है, वो सॉरी क्या बना हुआ है? ये चंदन है ना? तो देखते हैं क्या है ये चदन, इसका मतलब मात्रा नहीं लगी। अब हम मात्रा लगाएंगे, चंदन मात्रा किसके ऊपर आ रही है बोलो? च के ऊपर। तो किस पर लगाएंगे? च पर लगाएंगे, और कौन सी लगाएंगे? चन, अंक की मात्रा आ रही है ना? तो इस पर हम क्या लगाएंगे? अंक की मात्रा। तो क्या बन गया? चन द न चंदन, चा के ऊपर अंक की मात्रा आएगी। ओके, तो क्या बन गया? चंदन चंदन। अभी क्या है? तागा, और ये क्या बना हुआ है? तांगा तांगा। तो अब हम किस पर लगाएंगे? ता पर, क्योंकि चंद्रबिंदु की मात्रा किसके ऊपर आ रही है? ता पर आ रही है। तो क्या बनेगा बोलो? तांगा तांगा। तो ता के ऊपर हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगा देंगे। ओके, अभी क्या है? शंख, और ये क्या लिखा है? शख। तो मात्रा किसके ऊपर आ रही है बोलकर देखो? शंख, तो इसका मतलब श के ऊपर आ रही है, श के ऊपर। तो हम श के ऊपर अंक की मात्रा लगा देंगे। तो देखिए मैंने लगा दी, अब क्या बन गया ये? शंख शंख। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है? तो इसी तरह से अब आप इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। ओके, फिर उसके बाद आप रीड करो। ओके, बाय बाय।